सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से नवीनतम मंडी स्थल परिसर भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। करनाल अनाज मंडी, करनाल दाना मंडी की बात करते हैं तो आज 18 सितंबर दिन बुधवार है और पूसा बासमती 1509 की जो आवक करनाल मंडी में हुई है वो लगभग 20,000 बोरी है। और आज रेट किस करवट बैठा है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं मंडी परिसर के भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। पिछले दो दिन से लगातार धूप का आगमन हुआ है, सूरज आकाश में पूर्ण रूप से चमका है और आवक का स्तर बढ़ गया है। जो आवक 10,000 पर थी वो आज 20,000 पर आवक हो गई है। और इस आवक बढ़ने से रेट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, किसान भाइयों के साथ वार्ता करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से करनाल मंडी में आए हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सिकंदर कौर। और कौन सा गांव है आपका? कोटवाल आलमपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार। तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार। कौन सी मंजिल लेके आए करनाल? 1500 जी। क्या रेट लगा भाई साहब? 2600 जी। 2600 कम रेट लगा जी, तो आपकी बहुत बढ़िया है। जो सुपर भाव है यहाँ 2700 का। अच्छा, जो सुपर भाव लगा हरियाणा का वो 2700 का लगा, हमारा 2600 लगा। नहीं, मंडी में जो 3000 बिक रही है ना जी, 3000 का रेट नहीं है। अच्छा, तो 2600-2700 ही रेट है। 2600-2700 ये रेट है। तो किसान भाइयों हरिद्वार से आए हैं, तहसील रुड़की से भाई साहब बहुत दूर से करनाल मंडी में आए हुए हैं और इनकी 2600 वाली मैं ढेरी आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, इसमें टोल लगा हुआ है बिल्कुल, इस कलर बहुत बढ़िया, रंगत बहुत बढ़िया है, एकदम दूध जैसी स्वेट दे रही है। देखिए, आपको रंगत से पता लग जाएगा और छन छन करती हुई बिल्कुल नमी का स्तर अपने आप में नमन, कोई कोई हरा दाना है। किसान भैया पूसा बासमती 1509-2600 भाई साहब जो कि तहसील रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड से आए हुए हैं उनकी बिकी है। 1509 की आवक का स्तर लगातार जारी है। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं मंडी परिसर के भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज करनाल मंडी में 3000 सिरा रहा है और चीका मंडी जो है वो 3150 रुपया अपने आप में सबसे ऊंचे पैदान पर आज टिकी हुई है। और कुछ किसान भाइयों के साथ और वार्ता करने का प्रयास करते हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क। किसान भाइयों, गेहूं की सभी उन्नत किस्मों का बीज हमारे पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। हमारे पास 2967 का जो संशोधित रूप है, उन्नत 2967 HD 3406 जो हाल ही में रिलीज हुई है, उसका बीज का उत्पादन भी हम किसान को करके दे रहे हैं। इसके साथ साथ DBW 327, DBW 371, DBW 372, PBW 826, PBW 771 और इसी के साथ साथ किसान भाइयों PBW 771 लेट में और KRL 210, ये तमाम लंबी किस्में जो किसान भाइयों को आवश्यकता पड़ती है अधिक उत्पादन के लिए, इन किस्मों का उत्पादन 24 क्विंटल से लेके 32 क्विंटल तक लिया जा सकता है। और किसान भाइयों KRL 210 और PBW 771 को छोड़कर सनस्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, अनुवांशिक शुद्धता हमारे पास 100% है। किसान भाइयों, मेरे साथ मेरे बड़े भाई साहब हैं गांव नरुखेड़ी से, मेरे बगल में ये गांव है मेरे गांव के और डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से। भाई साहब, कौन सी धान लेके आए करनाल मंडी? 1500। क्या रेट लगा है? 2780। खुश है रेट से? बिल्कुल, अब ठीक हो गया है। किसान भाइयों, जैसे ही MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा निरस्त किया गया है, खत्म किया गया है, 1509 में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है। 2780 भाई नरुखेड़ी से आए हुए हैं, उनकी ये ढेरी बिकी है, पलटे के ऊपर ढेरी, पलटे के ऊपर बिकी है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ वीडियो में, करनाल में पंखा लगने की परंपरा नहीं है, केवल और केवल चट्टे का पलटा लगाना पड़ता है। गुणवत्ता का स्तर मैं आपको दिखा सकता हूँ, 2780 रुपये वाली कोई भी हरा दाना नहीं है और चावल की निकासी भी नहीं हुई हुई है। थ्रेशर ने, कंबाइन हार्वेस्टर ने बहुत अच्छी तरह से हार्वेस्ट की हुई है। 2780 करनाल मंडी में, करनाल मंडी में आज जो ऊंचा सिरा रहा है वो 3000 के आसपास रहा है। और कुछ किसान भाइयों के साथ और वार्ता करने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों, कोई भी किसान भाई अपनी धान की फसल करनाल मंडी में लेके आना चाहता है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप मंजीत सिंह एंड सन्स कमीशन एजेंट 460 नंबर दुकान, नई अनाज मंडी करनाल पर
अपनी फसल जाकर बेच सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आपको तुरंत नगद पेमेंट दी जाएगी। कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, आपका उच्चतम रेट में बेचने का प्रयास किया जाएगा। किसान भाइयों, मेरे साथ मेरे बड़े बुजुर्ग ताऊ जी जो गांव गोगड़ीपुर से हैं, करनाल मंडी में अपनी 1500 नौ की फसल लेके आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि 1500 नौ का क्या रेट लगा। ताऊ जी अपना नाम बताएं। सतवीर सिंह नाथ। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए क्या रेट लगा है 1500 नौ आपकी डेयरी का? 2500। बहुत बढ़िया रेट लगा है। रंगत भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद क्या लगा रहे हैं? आलू लगा रहे हैं। आलू के बाद मक्का लेते हैं? मक्का भी लेना, सब्जी भी लगाना। सब्जी भी लेना। किसान भाइयों, तीन फसल लेना अनिवार्य है सभी किसान भाइयों के लिए। अगर वो सरवाइव करना चाहता है, अपने डेली रूटीन के जो खर्चे हैं उसको कम करना चाहता है, तो आपको तीन फसल लेना अनिवार्य हो गया है किसान भाइयों। और ताऊ जी की डेयरी में आपको दिखा रहा हूँ, पलटा लगा है, और पलटे के बाद आप देख सकते हैं ये जो लेबर खड़ी हुई है, मेरे भाई हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, वो उसमें टोल लगा रहे हैं। 2500 करनाल मंडी में ताऊ जी की गांव फूसगढ़ से है। 2500 वाली क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। रंगत वाइज बहुत बढ़िया क्वालिटी है, एक नंबर, एक भी दाने में बिल्कुल चमक बहुत ज़्यादा है, दूध जैसी सफेद है, कोई भी दाना हल्का नहीं है। 2500 करनाल मंडी में, हालांकि सुबह सुबह एक दो ढेरियाँ 3000 के आसपास बिकी हैं। किसान भाइयों, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से किसानों से वार्ता करके बताया कि करनाल मंडी में क्या रेट रहा है 1500 का, और आज 2200 से लेके और 3000 के आसपास करनाल मंडी में 1500 का रेट रहा है। और मैं गुरबाज सिंह विर्क नई अनाज मंडी करनाल से इसी लाइव फुटेज आपको दिखा रहा हूँ। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान, जय किसान।